गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो ये मैं मायके आने के बाद का दूसरे दिन का वीडियो है दोस्तों। तो ये जो है ना, मैं नाश्ता बना रही हूँ। सुबह का 8 बजे का टाइम है। तो जो है, देखिए, मैं मूली का पराठा और पालक मिक्स करके पराठा नाश्ते में बनाऊँगी, क्योंकि आज मुझे मतलब जाना है कहीं। तो मैं हेवी थोड़ा नाश्ता बना रही हूँ, जिससे कि मेरे नाश्ते में काम चल जाए। और मैं जाने वाली हूँ, कहाँ जाने वाली हूँ मैं वो आपको बताती हूँ। तो ये जो है ना, मैं मूली और पालक, मूली को पीस ली हूँ और थोड़ा सा इसका पानी निकाल दी हूँ दबा करके, जिससे गीला ना हो आटा। और इसमें जो है ना, थोड़ी सी मैंने देखिए पालक जो है ना, सॉरी, पालक धो करके अच्छे से बारीक काट ली थी, उसको मैंने एक कटोरी डाल लिया। अंदाज से डाला है दोस्तों मैंने, हम 4-5 लोगों को खाना है, उस हिसाब से मैंने कहा दो दो पराठे बना, नाश्ता हैवी होना चाहिए ना, कहीं बाहर निकलो तो। तो ये देखिए, मैं आटा उसमें छान ले रही हूँ। और दोस्तों, आज मैं ना अपने मायके जाऊँगी, मतलब सारे ससुराल जाऊँगी। तो मेरा गांव का ससुराल ये, तो मैं इलाहाबाद में हूँ, लेकिन मेरा गांव प्रॉपर कहाँ है वहाँ जाऊँगी। वो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, तो मैं आप लोगों को अपना गांव दिखाऊँगी। तो इसमें जो है ना, मैं थोड़ा सा अजवाइन डालूँगी और थोड़ा सा नमक डालूँगी, हरी मिर्च, पालक और मूली मैंने पहले ही डाल ली, आटा छान के डाल दिया है। और ये देखिए, लाल मिर्च थोड़ा सा डाल रही हूँ, जिससे अच्छा चटपटा हो जाए मेरा पराठा। ऐसे बहुत इजी तरीके से बन जाता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, क्योंकि पालक बड़ा है इसमें और मूली भी अच्छी होती है। सीजनल तो सभी चीज़ें खानी ही चाहिए, है ना। तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही बनाती हूँ, जब हरी सब्जियाँ वगैरह मुझे मिल जाती है ना, तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। और मूली का अलग से भी बनाते हैं पालक, मतलब पराठा, और जो भी मर्जी बनाओ, अपना सबका तरीका अलग अलग होता है। तो मैं आज जो है ना, ऐसे ही बना ले रही हूँ आटे में सान के। और सब लोग बोले हम ही दो दो, मतलब सबके लिए मैंने दो दो बनाए थे, किसी को चाय के साथ खाना था, किसी को जिसको जैसे खाना होगा वैसे खा लेगा। क्योंकि हम सोच रहे हैं 10 बजे तक नहा धोकर निकल जाएँ, क्योंकि बाद में ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, बड़ा शहर है दोस्तों, तो ट्रैफिक जाम भी बहुत ज़्यादा लगता है। और ये देखिए, मेरा पराठा बनने लगा। सब लोग अपने अपने काम में हैं, बच्चे सो रहे हैं और हम बड़े लोग तो उठ गए हैं, नहा धो रहे हैं, क्योंकि आज संडे छुट्टी है। तो मेरी दीदी की भी छुट्टी है, तो वो भी जाएंगी साथ में, तो हम सभी लोग जाएंगे। और मैं देखते हैं मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ आप लोगों को। बहुत मज़ा आएगा मेरे वीडियो में, बने रहिएगा मेरे वीडियो में। बहुत स्पेशल चीज़ भी है, मैं वो देखना, आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए, मेरा 3 कोने का पराठा में बन रहा है, ज़्यादातर 3 कोने का ही जल्दी होता है ना, तो ज़्यादातर 3 कोने का ही पराठा बनता है दोस्तों। और कितने इजी बन रहा है, पानी बहुत कम लगता है इसमें, क्योंकि मूली पानी वैसे भी छोड़ता है, और अच्छे से दबा के निकाल लेंगे तो ज़्यादा गीला नहीं हो पाता है आटा, अच्छे से पराठा मेरा बन जाता है। और दोस्तों, मेरे जो है ना, मेरे ससुराल में, सॉरी, मायके ही याद आ रहा है, मेरे जो है ना ससुराल में जमुना जी रहती हैं मेरे घर के बिल्कुल पास में। तो हम वहाँ भी जाएंगे, आप लोगों को मैं वहाँ का भी दिखाऊंगी, वहाँ भी मस्ती करेंगे हम लोग। तो किस किस के यहाँ गंगा, जमुना या कोई नदी है जिसके गांव के पास में, तो वो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि उसका क्या मज़ा आता है, जिसके गांव के आसपास नदी नाले होते हैं तो उसका एक्सपीरियंस कैसा होता है। तो मैं आप लोगों को फिर बाद में बताऊंगी। तो अभी तो हम पराठा बना लेते हैं और पराठा खा भी लेते हैं जल्दी से। अभी मैं नहाई हुई नहीं हूँ दोस्तों, क्योंकि सुबह सारे काम वाम करके फिर नहा धो करके ही हमें जाना था। तो मैंने कहा एक साथ ही करूँगी, तब तक और दूसरे काम होते रहेंगे। और फाइनली देखिए, मेरा पराठा कितना मस्त पक गया है, एकदम ना लाल लाल करारा। मूली का नाश्ता लग गया है, मूली और पालक का पराठा सभी खा रही है। सभी, तुम्हें कैसे लग रहा है पराठा? अच्छा, टेस्टी है। हाँ। अच्छे से खाओ फिर। क्या क्या खा लिया? अचार, दही, दही इसने ऐसे ही ले लिया है और बहुत अच्छी जमी है दही, तो पीस एकदम पीस पीस है, बिल्कुल प्योर दूध की। और क्या है ये? सॉस, इमली की चटनी है। सॉस है। तो फिर खाओ, जाओ ले जाओ अपना नाश्ता। इधर पानी भरा जा रहा है, बर्तन वर्तन धुल गया है,
चलो दूसरा खा पी के गोल हो गए और फाइनली खा पी करके हम लोग तैयार होके निकल गए। देखिए मैं अपनी दीदी जेठानी के यहाँ आई हूँ, थोड़ा सा उनसे भी मिलना था मुझे। और ये देखिए छोटा सा बनी उन्होंने पाल रखा है, बहुत ही प्यारा है ये। और मेरी दीदी भी साथ में गई, दीदी भी हमारे साथ गांव गए थे घूमने के लिए। तो देखिए हम लोग गांव की तरफ चल दिए हैं सब लोग। उनके घर पे हमने चाय नाश्ता किया था और खाना खाया। उसके बाद दीदी ने मानी नहीं, हम लोग तो नाश्ता करके आए थे पर वो मानी नहीं। फिर हमने चाय वाय पी और खाना वाना खा कर गाँव की ओर निकल गए, क्योंकि गाँव में हम लोग तो रहते नहीं दोस्तों। आप लोगों जैसे पता है मैं तो बाहर रहती हूँ और मेरे घर में मेरी फैमिली में ज़्यादा लोग कोई है नहीं मेरे अलावा। और रिश्तेदार तो हैं फैमिली में और दूसरे लोग, पर मेरे पास नहीं है कोई। और ये देखिए हम लोग पहुँच गए फाइनली अपने घर। ये देखिए मेरा घर, ये ससुराल का पुश्तैनी घर है मेरा दोस्तों। यहाँ कोई नहीं रहता तो इसकी का कंडीशन आप लोगों को ऐसा दिख रहा होगा। यह हमेशा ही लॉक रहता है क्योंकि हम लोग रहते नहीं दोस्तों, और मेरे घर में कोई है नहीं यहाँ रहने के लिए। तो जब हम लोग साल भर में हर साल एक बार आते हैं तो खोल करके अपने घर को देखते हैं। लेकिन क्या हुआ, आज हम लोग आए तो हम लोग चाबी ही लाना भूल गए। हम अपने इलाहाबाद वाले मकान में ही भूल गए चाबी। और ये देखिए मेरी दादी, ये दादी सास है मेरी, मैं उनको प्रणाम कर रही हूँ। ये दादी सास तीन पीढ़ी वाली दादी है मेरी, ये तीसरी पीढ़ी है उनकी, काफ़ी बुजुर्ग हो गई हैं लेकिन बहुत खुश होती हैं हम लोगों से मिल के। ये देखिए हम लोग जा रहे हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं आप लोग गैस करिए ज़रा, और मेरे पीछे पीछे आइए मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। कितनी खुश हूँ ना मैं यहाँ के, यहाँ मैं शुरू शुरू शादी हुई थी तब मैं आई यहाँ दोस्तों। मैं 2-3 साल थी तो मेरा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है गांव से। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं यहाँ ज़रूर आती हूँ, अपने घर को खोल के देखती हूँ, पुरानी यादें ताज़ा करती हूँ। ये देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, कगार, जो जमुना किनारे, जमुना जी के किनारे मेरा गांव है, तो उसका जो किनारा होता है ना, पार्ट होता है, उसको हम लोग कगार बोलते हैं। बिल्कुल मेरे गांव मतलब लगा हुआ है, हमारे घर के बिल्कुल नीचे से ही है, मतलब थोड़ी ही दूर पे है, जमुना जी बह रही हैं। तो ये देखिए हम लोग बोले चलो जमुना जी देखा जाए, आप लोगों को भी दिखाऊँ मैं अपने दोस्तों को, इसलिए मैं जमुना जी आ गई आप लोगों को दिखाने के लिए। दीदी लोग से मिली, अपनी जेठानी लोगों से, सबसे चाय पानी पिया, उसके बाद आइए। मैं जो पेड़ दिखा रही हूँ ना खेत में, ये देखिए ये दोस्तों परवल का पेड़ है। यहाँ पर परवल की खेती करते हैं, वो सब्जी उगाने वाले लोग होते हैं ना, वो पूरा पार्ट में किनारे किनारे उन लोग खेती कर रखी है। और ये देखिए मेरा जो है ना पूजा पाठ शुरू हो गया, मतलब आए हैं जमुना जी तो प्रणाम तो बनता है ना, तो मैं प्रणाम कर रही हूँ। और हमारे यहाँ देखिए रेत निकाली जाती है, जो जमुना जी से रेत निकाली जाती है ना, वो सब का काम भी चल रहा है। सब लोग एकदम नाव आव आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी यदि आएंगे तो। और ये मैंने एक छोटी सी रील शूट कराई थी, वो मैंने आप लोगों को भी दिखा दी कि हम पानी में जाते हैं तो क्या क्या करते हैं, कितनी मस्ती करते हैं। और फिर उसके बाद हम वापस आ गए। और देखिए मोर हमारा, ये पुराना घर, बहुत पुराना घर है ये, इधर अब कोई नहीं रहता। यहाँ पर मुझे मोर दिखाना तो मैंने तो वीडियो में थोड़ा सा लेके आई मैं। ये देखिए उसके साथ में उसका बच्चा भी था, दो मोर थे, ये देख रहे। तो उसके बाद फिर ये देखिए हम अपने घर पे आ गए। हम लोग चाबी नहीं लाए थे ना, बगल में हमारी दीदी रहती है जो जेठानी जी, उनका और मेरा घर बिल्कुल लगा हुआ है, जुड़ा हुआ, मतलब हमने वहाँ से अमरूद तोड़े जो 2-4 ठो हमें मिले। ये मेरी छत है दोस्तों, यहाँ हम लोग सब देख रहे हैं, यहाँ से बिल्कुल जुड़ी हुई। हम इस तरफ से इस तरफ आ जाते हैं अपने घर में, अपने घर से हम ये दीदी के यहाँ चले जाते हैं। और ये मेरे आंगन का पेड़ है, इसमें इतना आंवला फला था, बहुत ज़्यादा। मैं इतनी खुश क्यों हो रही हूँ पता है, ये दीवार क्रॉस करके आ रही हूँ वही दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। तो मैं हम लोग एकदम बहुत छोटी सी दीवार बस का डिस्टेंस है, हम इधर आ जाते हैं बैठ के, इधर क्रॉस हो जाते हैं। वो लोग मेरे घर आ जाते थे, मैं उनके घर चली जाती। देखिए मेरे शिव जी का मंदिर बिल्कुल पास में, सर सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे, 5:30 हो रहा था, नहीं 5:30 ही हो रहा था, क्योंकि शाम बहुत जल्दी होती है, आजकल ठंड का दिन हो शुरू हो गया है ना।
और हम लोग उतर गए। बस क्या है, बंद है तो क्या देखेंगे, अंदर घास वास है टूटा फूटा। अब मैं बहुत जल्द उसको साफ सुफ कराऊंगी, फिर मैं अंदर जाऊंगी अगली बार तो एकदम डिटेल से खोल के अपना घर होम टूर कराऊंगी दोस्तों, गांव के का होम टूर कराऊंगी। और उसके बाद फिर हम लोग सबसे मिल मिला करके वापस अपने घर को आ गए, क्योंकि जब घर बंद ही है तो करेंगे क्या गांव में, है ना। और लोगों से, अपने फैमिली वालों से मिले, और उसके बाद हम वापस चल दिए अपने गांव में, मतलब घर की ओर। उसके बाद दोस्तों हम लोग जो है ना संगम में गए थे, थोड़ा सा गंगा नदी के किनारे, क्योंकि हमें फूल पत्र विसर्जन करना था ना, तो हमने सोचा कि चलो फिर टाइम नहीं मिलेगा तो विसर्जन करके आते हैं, तो संगम की ओर चल दिए हम लोग। तो ये रास्ते में संगम देखिए, संगम का ही है ये। हम जो है ना प्रॉपर नहाने या कुछ वैसा करने के लिए आए नहीं थे, देखिए ये संगम वाला एरिया है। यहाँ पर माघ मेला लगता है दोस्तों, ऊँट की सवारी, घोड़े की सवारी और भी चीज़ें हैं यहाँ पर, आप कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों हमने विसर्जन करके थोड़ा सा ऊँट की सवारी की, हमें बहुत मज़ा आया। हम दोनों बहुत डर रहे थे लाइफ में, पहली बार हम बैठे थे, हमारे बच्चे तो बैठने को तैयार नहीं थे और डर रहे थे, लेकिन हम लोग बोले कि चलो हम बैठ के देखते हैं। बड़ा हिम्मत जुटा कर हम बैठे थे इसमें, लेकिन बैठने के बाद बहुत मज़ा आया हमें इसमें, बहुत ही मज़ा आया। तो ये देखिए मेला परिसर है दोस्तों, अभी तो मेला लगा नहीं है, लेकिन हाँ ये लेटे हुए हनुमान जी का जगह है यहाँ पर, जो दूर से मैं दिखा रही हूँ। और ये जो ग्राउंड वगैरह दिख रहा है ना, यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं माघ मेले की दोस्तों। तो रास्ते में बाजार वगैरह देखिए धीरे धीरे सजने लगे हैं माघ मेले के लिए। यहाँ माघ का मेला पूरा माघ महीने भर लगता है, लोग यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद हम लोग अपना काम करके और वापस जा रहे हैं। तो दोस्तों ये देखिए लेटे हुए हनुमान जी के पास का डेकोरेशन कितना सुंदर सजा हुआ है ना। तो दोस्तों आज हम इस बार हम लोग गए नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और हमारे पास टाइम कम था। पिछली बार आए थे तो हम दर्शन करने आए थे, फ़ोटो वोटो भी ली थी, वीडियो भी मैंने बनाई थी, तो इस बार तो नहीं हुआ क्योंकि जल्दबाजी में थोड़ा सा आए थे। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो या आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और ये देखिए दुनिया में कितनी कितनी कलाएं भरी हैं ना। दोस्तों आज का वीडियो यहीं रखते हैं, बाय बाय दोस्तों, कल फिर मिलते हैं।